और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली हमारा 10 बजे लाइव सेशन होता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एसएससी सीजल 2018 टीयर वन इंग्लिश का पेपर, जो कि है हमारा 11th जून शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, तो चूंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि मुझे फ्राइडे सैटरडे कहीं जाना था, इस वजह से मैंने आपको ये दोनों वीडियोज़ प्रीमियर कर रहा हूँ, और आप इन दोनों वीडियोज़ को एज इट इज़ देख सकते हैं और आपने पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जिससे कि मेरा फ्लो नहीं टूटे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियोस इस तरीके से प्रोवाइड किए हैं। तो कीप वॉचिंग, एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, जो कि है AMANT, जिससे आपको 10-12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 का और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज़ का मिलता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, डाउट सेशंस ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं और PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो हैं कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स और वोकैबुलरी का कोर्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 11th जून शिफ्ट 3 का पेपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 11th जून शिफ्ट 2 कल हो गया था, 11th जून शिफ्ट 1 उसके पहले हुआ है, आज हमारा हो रहा है 11th जून शिफ्ट 3। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट एग्जॉल्ट का सिनोनिम पूछता है क्या होगा, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जॉल्ट का मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना। तो एग्जॉल्ट का आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, प्रेज। कंडेम करना बुराई करना होता है, तो एंटोनिम हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करना बाहर निकालना, चैलेंज करना टू थ्रो द ग्लव्स, आप इसका idiom याद कर सकते हो, किसी को चैलेंज करने के सेंस में होता है टू थ्रो द ग्लव्स या फिर गॉन्टलेट। ठीक है, चलिए। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनसेटिएबल, जो कि बिल्कुल कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। इनक्रेडिबल हो गया, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जो अद्वितीय है, जो विच के जिसको जिसपे भरोसा ही, जिसपे विश्वास ही नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा ही इनक्रेडिबल है, बहुत अच्छा है, उसे अतुलनीय कह सकते हैं। अगला है इम्प्रोबेबल, जो हो नहीं सकता, विच कैन नॉट हैपन, और इम्पॉसिबल भी सेम सेंस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे वी ऑल शुड बी विजिलेंट, विजिलेंट टू ऑल एक्टिविटीज हैपनिंग नियर अराउंड अस नियर अस। तो विजिलेंट मतलब क्या होता है, केयरफुल होना। तो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, एल्यूसिव मतलब बचना, विजिबल मतलब दिखना, केयरफुल इसका सिनोनिम हो गया, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस होना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, इसमें आपसे पूछ रहा है करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आंसर बताइए। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम क्या बनेगा, इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन या रेट्रोस्पेक्शन। तो देखिए, इंस्पेक्शन करना मतलब, जैसे आप सभी लोग क्या बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्ट करना, देखना, निरीक्षण करना। ठीक, इंट्रो मतलब हो जाता है आपका इनसाइड, ठीक है, इंस्पेक्ट मतलब देखना, सर्कमस्पेक्शन मतलब आसपास चारों तरफ, रेट्रो मतलब हो जाता है पास्ट, तो पास्ट टाइम की बात हो रही है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताइए, एक्स्ट्रावेगेंट का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, बताओ एक्स्ट्रावेगेंट का करेक्ट एंटोनिम क्या होता है, बताइए। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रावेगेंट हुआ व्यक्ति जो बहुत खर्चा करता हो। ठीक है, तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। जेनरस, जेनरस किसे कहते हैं, जेनरस कहते हैं उदार को, लिबरल को, तो उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। डेफिसिट हो गया, जिसके पास पैसा की कमी हो, जैसे कहते हैं ना, आपका बजट डेफिसिट में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। पॉपर हम किसे कहते हैं, पॉपर कहते हैं अ वेरी पुअर पर्सन को, बहुत ही गरीब व्यक्ति को, तो आंसर क्या बन जाएगा, थ्रिफ्टी विल बी द करेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या हो जाता है, कंजूस, तो थ्रिफ्टी, माइजर, इगर्ड, ठीक है, पेनी पिंचर, इन सभी का मतलब हो जाता है आपका थ्रिफ्टी, फ्रूगल भी लिख लीजिएगा इसी में। चलिए, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कहता है आपसे एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए आप इस क्वेश्चन का, जो आप idiom लिखा हुआ है इन्होंने, कि वन मस्ट लर्न टू प्रियोरिटाइज इन लाइफ, हमें अपने लाइफ में प्रायोरिटीज देना आना चाहिए। इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कभी भी
वी शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आप अगर हॉर्स और कैरेज की बात करो, घोड़ा गाड़ी की बात करो, तो आगे क्या होता है, घोड़ा होता है और उसके पीछे रथ होता है ना। अगर आप कार्ट को आगे रख दें और घोड़े को पीछे रख दें तो कैसा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, टू डू द लास्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो काम आपको सबसे आखिरी में करना चाहिए आपको उसको कभी पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है कंसाइज का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। कंसाइज का एप्रोप्रिएट सिनोनिम, कंसाइज मतलब क्या हो जाता है, ब्रीफ। ठीक है, तो डिटेल्ड हो गया इसका एंटोनिम हो जाएगा, लेंथी एंटोनिम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एंटोनिम में आ सकता है, आंसर हो जाएगा ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सेलेक्ट द इंप्रूवमेंट, आपसे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, कहता है ही मेड अ डेस्परेट बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द घासली टॉपिक, आंसर बताइए, इंप्रूवमेंट पूछता है इसमें। देखिए बट ऑल्सो कब आता है, बट ऑल्सो आता है जब नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो यहां पर बट ऑल्सो की तो जरूरत है नहीं। कह रहा है ही मेड अ डेस्परेट बट ऑल्सो बट पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट, तो आपका सक्सेसफुल एफर्ट पार्शियल क्या होता है, पार्शियल आपका हो गया नाउन, आपको चाहिए एडजेक्टिव, तो क्या बनेगा, पार्शियली। ठीक है, पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। ठीक है, क्योंकि पार्शियल क्या है, पार्शियल की अगर हम बात करें, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ पार्शियल, पार्शियल आपका क्या हो जाता है, पार्शियल भी एडजेक्टिव है। ठीक है, और पार्शियली की बात करें तो पार्शियली भी आपका एडजेक्टिव के रूप में ही होगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा पार्शियल, पार्शियल किस सेंस में आता है, पार्शियल आता है कि विच इज नॉट कंप्लीट होल, यानी कि बायस्ड, कोई किसी के पार्शियल हो रहा है, किसी के पक्ष में बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नॉट कंप्लीटली, तो आंसर बनेगा ही मेड अ डेस्परेट बट पार्शियली सक्सेसफुल विल बी द करेक्ट आंसर, थ्रू पार्ट सक्सेसफुल या येट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न वेरी मच, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये एरर डिटेक्शन का, भाई डबल कंपैरेटिव इज ऑलवेज अवॉइडेड, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, आंसर क्या बन जाएगा, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न वेरी मच, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कहता है सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट, क्या आंसर बनेगा, तो उसकी इतने कम एज पर जो सक्सेस है, सफलता है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट्स, मतलब दैट गिव्स इनफ प्रूफ, जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि वो साबित करता है इस बात को, तो दैट गिव्स इनफ प्रूफ एट सच अ यंग एज इनफ प्रूफ फॉर हिज टैलेंट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है यहाँ पर आपका पैरा जम सॉरी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, बताइए। कहता है द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो विश्व की बात कर रहा है, अगर विश्व की बात कर रहा है तो आप क्या लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री, तो बैड और वर्स तो आएगा नहीं, और अच्छी कोई डिजास्टर को भी अच्छा नहीं होता तो बेस्ट नहीं हो सकता, आंसर क्या बन जाएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट वर्स्ट डिजास्टर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 42 टन्स ऑफ मेथाइल आइसोसाइनाइड डैश फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स एमिटेड लीक्ड रिलीज्ड या फ्लोड, तो गैस अगर आप कभी घर में बोलते हो, जैसे आपका गैस सिलेंडर रखा है, कई बार उसे महक आती है, तो आप क्या बोलते हो, लीक होने ही बोलते हो, तो गैस के लिए जो टर्म आता है वो क्या आता है, लीक्ड ही आता है, फ्लोड या फिर रिलीज या फिर एमिटेड नहीं आता है, आंसर होता है लीक्ड। सो द मेथाइल 42 टन्स ऑफ मेथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट लीक्ड इट फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रॉम स्टील कंटेनर्स डैश द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज द क्लाउड ऑफ डैश गैस, तो अलॉन्ग बिसाइड एट या अक्रॉस, क्या सही शब्द बनेगा, तो 42 टन्स ऑफ मेथाइल आइसोसाइनेट लीक्ड फ्रॉम स्टील कंटेनर्स डैश द कहां से, अच्छा लीक कहां से हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से में हुई थी, तो अलोंग नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा, क्रॉस भी नहीं होगा, इट विल बी एट, ठीक है, कंटेनर्स एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज द क्लाउड ऑफ डैश गैस, तो आंसर बन जाएगा एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एंड रिलीज द क्लाउड ऑफ डैश गैस, तो एबोमिनेबल गैस, इनक्यूरेबल गैस, डेथली गैस या मर्सीलेस गैस, तो क्या बनेगा आपका, तो आंसर कैसी, गैस कैसी थी वो, बहुत ही ज्यादा
घातक थी ना, तो फेटल गैस हो सकता था, मर्सीलेस गैस नहीं होती, मर्सीलेस लोग होते हैं, इनक्योरेबल डिसीज होती है, एबोमिनेबल घृणित कार्य होता है, एबोमिनेबल एक्ट होता है, आंसर हो जाएगा डेथली, तो डेथली गैस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इट लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ डैश लीगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, तो इसने एक कैसा छोड़ा है, कैसा एक हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा है, विच काइंड ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर, इट लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, तो विच काइंड ऑफ डेथ विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पर आंसर क्या बनेगा, चलिए आपसे ऑप्शन दिए हैं, डिटेन, डिटेन मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, ठीक है, डिटेन मतलब क्या हो जाता है, किसी को रोकना, ठीक। उसके बाद कहता है अवर्टेड मोमेंट्री, अवर्टेड मतलब किसी कार्य को विफल कर देना, तो डिटेन करना जैसे पुलिस किसी को रोक ले, अवर्ट करना भी नहीं होगा, ये दोनों ही गलत है, मोमेंट्री होता है क्षणिक, तो इट लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, तो आंसर यहां पर बनेगा आपका डिफर्ड डेथ विल बी द करेक्ट आंसर। डिफर्ड डेथ का मतलब हो गया कि ऐसी डेथ जो कि बहुत लंबे समय तक देर हुई, ठीक है, तो टू डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, डिलेड डेथ होती है, कई बार बहुत देर, कई बार कुछ लोगों की डेथ तुरंत हुई, कुछ लोगों की डेथ बहुत देर में हुई, तो लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डिफर्ड डेथ विल बी द करेक्ट आंसर, मोमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, आपसे करेक्ट पैसिव वॉइस पूछ रहा है सेंटेंस का, क्वेश्चन कहता है इट इज टाइम टू सर्व डिनर, क्या आंसर बनेगा, पैसिव वॉइस पूछता है, तो इट इज टाइम, देखिए सभी में सही सेम होगा, आपको 2 प्लस इन्फिनिटिव, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट का पैसिव बनाना है, वो कैसे बनता है, टू बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि क्या होना चाहिए, टू बी सर्व्ड, यहाँ शुड बी सर्व्ड आ गया, यहाँ आया ही नहीं, यहाँ इज सर्व्ड आ गया, तो ये दोनों ही, तीनों ही गलत हो गया, आंसर क्या बन गया, इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछता है द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, क्या आंसर बनेगा, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, सकम सरेंडर सब्सक्राइब सबमिटेड, तो देखो सब्सक्राइब तो हम आपसे करने को कहते हैं, तो इंजरीज के लिए सब्सक्राइब नहीं होगा, सबमिट करना किसी चीज के, किसी के आगे समर्पण करने के लिए आता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, सबमिट करना जमा करना भी होता है, सरेंडर आप किसी एनिमी के सामने करते हो, सकम्ड टू डेथ या सकम्ड टू इंजरीज होता है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सो द एक्सीडेंट विक्टिम सकम्ड टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, टेम्पर ट्रिफल रेकन या फिर टेम्पर, तो टेम्पर आपका मूड बताता है, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है ट्रिफल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिफल, एनीवन बताइए कमेंट सेक्शन में, ट्रिफल का मतलब हो जाता है स्लाइटली, ठीक है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है, ट्रिफल का मतलब स्लाइटली हो जाता है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद बचता है आपका कि हाँ ट्रिफल विद द रूल्स, जैसे अगर आप कहो तो ट्रिफल विद द रूल्स नहीं होता है, ट्रिफल विद समबडी या समथिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि टू ट्रीट समबडी विदाउट जेन्युइन रिस्पेक्ट, जैसे ही इज नॉट अ पर्सन टू बी ट्रिफल्ड विद, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हम सम्मान करें, ठीक, तो इसका एक मतलब ये हो जाता है। रेकन का मतलब क्या होता है, टू थिंक समथिंग और हैव अ ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सोचना, ठीक है, उस सेंस में होगा, जैसे एज ऑफ रेकनिंग उस सेंस में आ जाता है। और टेम्पर मतलब हो जाता है छेड़छाड़ करना किसी चीज के साथ में, तो आंसर क्या बनेगा, टेम्पर, तो वी शुड नेवर टेम्पर विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा आपका टेम्पर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। टेम्पर का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, कि किसी नियमों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पैराजंबल का है, बनाइए इसका आंसर जरा, फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट्स, दीज स्टेट्स अगर वो कह रहा है तो पहले पता करो कौन से स्टेट्स हैं, दैट ओनली वे टू हैव अ फ्रेंडशिप इज टू बी वन, तो पहला आपका सेंटेंस ए नहीं हो सकता, हटा दे। बी में कहता है लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, नाउ व्हाट इज ऑल्सो गवर्न्ड, वी गेट टू नो दैट, वी शुड ट्राई टू नो इट, यानी कि तो इसे भी हटा देते हैं, बी से भी पहला नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन बचे, दोनों ही हमारे सी से बनते हैं,
क्वेश्चन नंबर डी में आपसे कहता है 10 वन मस्ट बी रिलायबल एज अ फ्रेंड टू एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी इन अदर्स, यानी कि इसीलिए कि अगर कोई दूसरे से रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है तो खुद को भी रिलायबल होना चाहिए। तो अगर आप 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है? कंक्लूजन, कंक्लूजन स्टेटमेंट हमेशा एंड में आता है, वो कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो वी विल चेक दिस वन, क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉवेटेड रिलेशनशिप्स ऑन अर्थ, लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाई सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, सभी रिलेशनशिप्स की तरह ये भी कुछ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल से गवर्न होता है। पहला ये है कि आपका ओनली वे टू हैव फ्रेंडशिप इज टू बी वन, इज टू बी वन, यानी कि टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन। उसके बाद क्या हो जाएगा डी में, दस वन मस्ट बी रिलायबल एज अ फ्रेंड टू एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ से एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, कहता है द सुपरस्टिशंस आर बिलीव्ड, आर स्टिल बिलीव्ड इन द इन बाय पीपल। तो आर के साथ में क्या आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या आया? बाय पीपल। तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगा रहे हैं तो आपने क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस। ये कब लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि हम ऑप्शन में क्या देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। हैव स्टिल बिलीव्ड नहीं होगा, ठीक। आर स्टिल बिलीविंग नहीं होगा, बिलीव्ड भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आंसर क्या बनेगा? पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, इसमें से कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग जो है वो पहली वाली स्पेलिंग से ही है, आर्ग्यूमेंट ये जो स्पेलिंग है आपकी करेक्ट है। 22 में आपसे पैरा जंबल का क्वेश्चन पूछता है, बताइए। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा आपका? पैराजम्बलिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बट दैट इज़ फॉर एन इमोशनल रीजन। बट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती तो ए से शुरू नहीं होगा। खैर, दो ऑप्शन दिए हैं, डी या फिर बी से शुरू होता है। बी में कहता है लर्निंग आवर मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर। डी में कहता है लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। तो हाउएवर आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस डी से शुरू नहीं होगा क्योंकि इसके पहले आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डी से खैर नहीं शुरू करते हैं, लेट्स लुक एट द बी। लर्निंग आर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट देयर। ऐसा फिर कहता है कि क्यों? बट दैट इज़ फॉर एन इमोशनल रीजन, क्योंकि हम मदर टंग की बात कर रहे हैं तो ये एक इमोशनल रीजन की वजह से हो सकता है। तो बी के बाद क्या आ जाएगा? ए। लर्निंग इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ इमोशनल रीजन दिया है, तो ये भी आपका ये रीजन जरूरी है क्योंकि ये हाउएवर आया है तो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है किस बात से, क्योंकि ये इमोशनल रीजन के लिए करना है, ये प्रैक्टिकल रीजन के लिए करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज कैन लीड टू द बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपकी भाषा में अगर प्रोफिशिएंसी है तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है द चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, आंसर बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कितने ही क्वेश्चन आए हैं हमारे पूरे सेट में अगर हम देखें तो। सब्जेक्ट हमारा क्या है? द चाइल्ड। अलॉन्ग विद के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है चाइल्ड। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी वर्ब आएगी, तो वर्ब की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा? वॉज। तो आंसर क्या बनेगा? द चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछता है, आंसर बताइए। तो यहाँ पे मैनिपुलेट की स्पेलिंग सही है, बाकी स्पेलिंग जो है गलत है। सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछता है शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, क्या बनेगा आंसर? शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। तो देखिए सिंपल सी बात, जिन लोगों ने एडवर्ब पढ़ रहे हो आजकल मुझसे 4 से 6 वाले बैच में अनअकैडमी प्लस पे, मैंने उनको पढ़ाया है कि भाई किसका के सो और दैट का कनेक्शन होता है और टू और टू का कनेक्शन होता है। तो आंसर क्या बनेगा? ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा?
शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर. समझ में आ गया? ठीक है, चलिए. सो लेट्स कीप इट टिल हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे. आई होप आपको जितना पढ़ाया समझ में आया हो. एंड इफ देयर इज एनीथिंग आपको समझ में नहीं आई, यू कैन आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. टेलीग्राम पे मेरा चैनल का आईडी है @AmanTrivedi. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैवन शेयर्ड इट, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द वीडियो. अब हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे को हमारा लाइव सेशन होगा 10 बजे से रात में. तो लेट्स मीट ऑन मंडे 10 PM. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.